नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान में कल्चर के बारे में। राजस्थान के कल्चर में भी हमने लोक नृत्यों की क्लासेज पढ़ी थी। लोक नृत्यों को हमने 4 श्रेणियों में बांट लिया था। उसके बाद में हमने क्षत्रिय नृत्यों के बारे में हमने एक नृत्य का अध्ययन कर लिया है। वो भी कौन सा नृत्य? राजस्थान का राज्य लोक नृत्य जो घूमर था, 1986 में उसे लोक नृत्यों का दर्जा दिया गया था। उसे राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा व हृदय व सिरमौर राजपूत ज्यादा करते थे, तो रजवाड़ी लोक नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और यह कब किया जाता है? गणगौर के अवसर पे सर्वाधिक किया जाता है। तो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। आपका आंसर का जो आंसर था वो ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे बात करते हैं कल्चर में त्योहारों की शुरुआत कहाँ से होती है। तो तीज से हमारे त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर पर समाप्ति हो जाती है। और गणगौर पर सर्वाधिक कौन सा नृत्य किया जाता है? तो घूमर नृत्य किया जाता है। ये मैंने आपको अध्ययन कर बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आज हम एक नए नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा नृत्य? गुड़ला नृत्य। इसका क्षेत्र कौन सा है? पहले तो आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि गुड़ला क्षेत्र किस क्षेत्र में सर्वाधिक यह नृत्य किया जाता है। तो गुड़ला नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि हम कौन से नृत्य पढ़ रहे हैं? क्षेत्रीय नृत्य पढ़ रहे हैं। तो क्षेत्रीय नृत्य पढ़ रहे हैं तो हमें क्षेत्र तो याद रहना जरूरी है इसका। तो ये लिखो, मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है। और मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है? तो जोधपुर क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए। मारवाड़ क्षेत्र और मारवाड़ क्षेत्र में भी आपको पूछ लिया जाए, मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है? मुख्य रूप से जोधपुर में, जोधपुर में। तो इसे क्या बोल लिया जा सकता है? मारवाड़ का लोक नृत्य भी कहा जाता है। तो लिखो दोस्तों, इसे मारवाड़ का लोक नृत्य कहा जाता है। इसे मारवाड़ का लोक नृत्य कहा जाता है। लोक नृत्य कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए, मारवाड़ का लोक नृत्य किसे कहा जाता है? तो गुड़ला नृत्य को मारवाड़ का लोक नृत्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये लोक नृत्य कब से मनाना स्टार्ट हुआ था? एक शासक था सातल देव के द्वारा गुड़ले खां की हत्या करने के कारण यह नृत्य प्रारंभ हुआ था। तो शासक, देखो दोस्तों, शासक नृत्य का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ? शासक सातल देव द्वारा कौन किसकी हत्या करने पर सातल देव द्वारा गुड़ले खां की हत्या करने से प्रारंभ। ये प्रारंभ हुआ तो क्यों हुआ, आपसे पूछ लिया जाए। प्रारंभ हुआ किसके कारण हुआ? सातल देव की हत्या कर दी गई थी। गुड़ले खां की हत्या कर दी गई थी किसके द्वारा? सातल देव के द्वारा। ये था मारवाड़ का शासक। और इसमें कहानी क्या थी? इसमें ट्विस्ट ये था कि एक पिपलाद शहर में गणगौर के अवसर पर 140 कन्याओं को उठाकर कौन ले गया? गुड़ले खान ले गया। और उसे छुटाने का काम किसने किया था? सातल देव ने किया था। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ था? सातल देव ने गुड़ले खान की हत्या कर दी थी। क्यों की थी? हत्या करने का भी एक रीजन था। गणगौर के त्योहार के अवसर पर पीपलाद गांव की 140 कन्याएं क्या कर रही थी? अपने व्रत को खोल रही थी। उस समय ये सातल जो गुड़ले खां था, ये उस 40 कुंवारी कन्याओं को उठाकर पीपलाद ले गया था। पीपलाद शहर की 140 कन्याओं को उठाकर ले गया। कौन? लिखो, पीपलाद पिपाल या पिपाल गांव की 140 कन्याओं को उठाकर ले गया। कन्याओं को उठाकर ले गया और उसे छुटाने का काम किसने किया था? सातल देव ने इसे छुटाने का काम किया था। इसलिए एक छिद्र युक्त मटके में दीपक जलाकर यह नृत्य किया जाता है। तो लिखो, ये नृत्य कैसे किया जाता है? छिद्र युक्त मटके में दीपक जलाकर कैसे किया जाता है, आपसे पूछ लिया जाए। कैसे किया जाता है? तो छिद्र युक्त मटके में दीपक जलाकर, दीपक
जलाकर यह नृत्य किया जाता है। छिद्र युक्त मटके में दीपक जलाकर कौन सा नृत्य किया जाता है? गुड़ला नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और कौन करती है, आपसे पूछ लिया जाए यह नृत्य कौन करती है, तो एल्यूआइट महिलाएं कौन करती है, कौन करती है आपसे पूछ लिया जाए, तो ये एल्यूआइट जो जो एल्यूआइट महिलाएं युवतियां होती है वो इसे करने का काम करती है, तो एल्यूआइट युवतियों द्वारा, इसके द्वारा किया जाता है, अविवाहित अविवाहित युवतियों द्वारा, युवतियों द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और कौन सा नृत्य? गुड़ला नृत्य। अब ये किया कब जाता है, कब किया जाता है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। ये कब किया जाता है, कब किया जाता है आपसे पूछ लिया जाए, कब किया जाता है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को, कब पूछ लिया जाए, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी को, शीतला अष्टमी को कौन सा नृत्य किया जाता है, गुड़ला नृत्य किया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। इसको प्रकाश में लेने का श्रेय किसे जाता है, तो कमल कोठारी को, प्रकाशमान। इस नृत्य को प्रकाशमान किसने किया था आपसे पूछ लिया जाए, प्रकाशमान, प्रकाशमान करने का काम किसने किया था, तो कमल कोठारी ने इसे प्रकाशमान करने का काम किया था, कमल कोठारी, कमल कोठारी ने इसे प्रकाश में लाने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, तो हमने गुड़ला नृत्य में क्या पढ़ा, ये कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, तो मारवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है, तो जोधपुर क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है, इसे मारवाड़ का लोक नृत्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, किसे, गुड़ला नृत्य को। गुड़ला नृत्य कब से प्रारंभ हुआ, सातल देव द्वारा गुड़ले खा की हत्या करने के बाद से ये प्रारंभ हुआ। इसने हत्या क्यों की थी, पिपाल गाँव की 144 कुंवारी कन्याओं को, पिपाड़ गांव की 140 कुंवारी कन्याओं को ये उठाकर गुड़ला खा ले जाता है, और उससे गुड़ले खा से युद्ध करते हुए ये इस 140 कन्याओं को इससे मुक्ति दिलाने का काम कौन करता है, सातल देव करता है, और सातल देव की भी क्या हो जाती है, वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो उसकी याद में कौन सा नृत्य किया जाता है, छिद्र युक्त मटके में दीपक जलाकर मंद मंद गति से यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, गुड़ला नृत्य किया जाता है, और गुड़ला नृत्य करने का काम कौन करती है, तो अविवाहित ये जो जो कुंवारी कन्याएं जो व्रत कर रही थी, व्रत खोल रही थी, उसे ही तो ये गिरफ्तार करके ले गया था, तो वो ये कन्याएं हर घर घर जाकर, मारवाड़ के क्षेत्र में हर घर घर जाकर ये नृत्य करने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये गुड़ला नृत्य कब किया जाता है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी, देखो कैसे याद रखना है, दीपक कब जलाए जाते हैं, तो अंधेरे में जलाए जाते हैं, चैत्र तो आपको याद रह जाएगा, एक तो चैत्र शुक्ल अष्टमी होता है, और एक कृष्ण अष्टमी, तो कृष्ण जी किसमें जन्मे थे, कृष्ण जी कैसे थे, तो काले थे, तो कृष्ण के मतलब रात्रि कैसी होती थी, अंधेरी रात होती थी, तो चानन में तो क्या आता है, शुक्ल पक्ष आता है, और अंधेरे में क्या आता है, कृष्ण पक्ष आता है, तो कृष्ण जी की रातें कैसी थी, काली थी, काली रातों में चानना करने के लिए क्या जलाना पड़ता है, दीपक, तो ये दीपक जलाकर यह नृत्य किया जाता था, इसमें छिद्र युक्त मटके में, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा नृत्य किया जाता है, गुड़ला नृत्य किया जाता है, और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय आपसे पूछ लिया जाए, तो कमल कोठारी ने इसे प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे अग्नि नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो कतरिया सर बीकानेर का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है आपसे पूछ लिया जाए, तो कतरिया सर बीकानेर, कतरिया, कतरिया सर बीकानेर में पड़ता है, और ये वहां का प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य, अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अग्नि नृत्य कौन और किस तरीके से करता है, तो अग्नि नृत्य कैसे किया जाता है, जलते हुए अंगारों पर आपसे पूछ लिया जाए, अग्नि नृत्य कैसे किया जाता है, तो जलते हुए अंगारों पर, जलते हुए अंगारों पर नंगे पांव नाचना
ये किस प्रकार किया जाता है? जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। और किस इस संप्रदाय द्वारा किया जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो जसनाती सिद्ध करते हैं। इसे कौन करते हैं? जसनाती सिद्ध करते हैं। कौन करते हैं आपसे पूछ लिया जाए ये नृत्य कौन करते हैं तो जसनाती सिद्ध करते हैं। जसनाती सिद्ध इसे करने का काम करते हैं। जाटों में होते हैं जसनाती सिद्ध, बीकानेर में ये इसे नृत्य को करने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आगे और चर्चा करते हैं हम, आगे बात करते हैं कौन से संप्रदाय द्वारा किया जाता है तो जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। कौन से संप्रदाय आपसे पूछ लिया जाए तो संप्रदाय भी कौन सा है? जसनाती संप्रदाय द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे और चर्चा करते हैं तो इसमें एक उद्घोष के नाम से नृत्य किया जाता है। फतेह फतेह उद्घोष के नाम से नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। कौन सा उद्घोष आप देखो तो दोस्तों उद्घोष क्या है? फतेह फतेह उद्घोष। उद्घोष क्या है इसका? ये कई बार पूछा हुआ है। फतेह फतेह उद्घोष किस लोक नृत्य से संबंधित है? फतेह फतेह मतलब अंगारों पे क्या करनी, फतेह प्राप्त करनी। फतेह फतेह उद्घोष के नाम से कौन सा नृत्य किया जाता है तो जसनाती संप्रदाय द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं तो इसके नर्तक को क्या कहते हैं? नाचनिया इसके नर्तक को कहते हैं। नर्तक को क्या कहते हैं आपसे पूछ लिया जाए, नर्तक को क्या कहते हैं? नर्तक को कहते हैं नाचनिया। नर्तक को क्या कहते हैं? नाचनिया। नाचनिया किसके कहते हैं? इसके नर्तक को नाचनिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी शुरुआत कब से हुई थी तो संरक्षण किसने दिया था इसको तो महाराजा गंगा सिंह ने। तो आपसे पूछ लिया जाए संरक्षण किसने दिया, संरक्षण देने का काम किसने किया तो महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने, गंगा सिंह ने इसे संरक्षण देने का काम किया था। तो महाराजा गंगा सिंह ने क्या किया था? इसे संरक्षण देने का काम किया था। किसने? नृत्य को, अग्नि नृत्य को। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है तो नगाड़ा इसका प्रमुख वाद्य यंत्र। आपसे पूछ लिया जाए वाद्य यंत्र कौन सा है तो इसमें प्रमुख रूप से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? नगाड़ा। नगाड़ा इसका क्या है? प्रमुख वाद्य यंत्र। आपसे पूछ लिया जाए ये किस प्रकार का नृत्य है तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है। किस प्रकार का नृत्य है? ये पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है मतलब इस नृत्य में स्त्रियां भाग नहीं लेती। जैसे हमने घूमर पढ़ा था प्रधान नृत्य है, जैसे हमने घूमर पढ़ा था तो वो स्त्री प्रधान नृत्य था। ये कौन किस प्रकार का नृत्य है? ये पुरुष प्रधान नृत्य है। जैसे हमने और भी पढ़ा था गुड़ला नृत्य, अभी पढ़ा है गुड़ला नृत्य कौन करती है? अविवाहित युवतियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो उसमें कौन भाग लेती थी? अविवाहित युवतियां। इसमें कौन? पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं कौन सा नृत्य पढ़ा हमने अभी? अग्नि नृत्य पढ़ा। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरी या सर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जलते हुए अंगारों पर नाच किया जाता है। इसमें कई प्रकार की क्रिया की जाती है जैसे मतीरों को फोड़ना, तलवारों से युद्ध लड़ना, तलवारों के ऊपर चलना, सूलों पर चलना, ये इस प्रकार की क्रियाएं किसमें की जाती हैं? इस अग्नि नृत्य में की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये जसनाती सिद्ध द्वारा किया जाता है। कौन? जसनाती सिद्ध वहां के जाट होते थे उस संप्रदाय द्वारा ये नृत्य किया जाता था। संप्रदाय आपसे पूछ लिया जाए तो संप्रदाय कौन सा है? जसनाती संप्रदाय द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं उद्घोष कौन सा है तो फतेह फतेह उद्घोष के नाम से ये नृत्य किया जाता है। फतेह मतलब जब भी ये अंगारों पे चलते हैं तो फतेह फतेह नाम का क्या करते हैं? उद्घोष करने का, बोलने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके नर्तक को क्या कहा जाता है? इसके नर्तक को नाचनिया कहा जाता है। बात करते हैं इसको संरक्षण देने का काम किसने किया था, किसके शासनकाल से ये प्रारंभ हुआ तो महाराजा गंगा सिंह ने इसे संरक्षण देने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है तो इस नृत्य के समय नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ये नृत्य स्त्री प्रधान है या पुरुष प्रधान है या आयुर्वेद महिलाओं द्वारा किया जाता है तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा आपसे पूछा जाएगा कि अग्नि नृत्य है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत छोटा है ना, क्या बनेगा आपसे पूछा जाएगा? अग्नि नृत्य है। जो क्वेश्चन है वो कितना छोटा है? अग्नि नृत्य है, नृत्य है। ठीक है, क्वेश्चन छोटा सा है, एक नाम मात्र का क्वेश्चन है। अग्नि नृत्य है, स्त्री प्रधान नृत्य, पुरुष प्रधान नृत्य, अविवाहित युवतियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। छोटा सा क्वेश्चन था तो आपको ये याद रखना जरूरी है ये किस प्रकार का नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीन शॉट लें फिर हम पढ़ेंगे बम नृत्य के बारे में।
आगे दोस्तों बात करते हैं हम बम नृत्य। बम नृत्य कहाँ किया जाता है? विशेष तौर से तो भरतपुर में और फिर मेवात क्षेत्र में। लिखो दोस्तों भरतपुर, भरतपुर में प्रमुख रूप से। ठीक है दोस्तों, आगे ऐसे भी ऑप्शन में आ सकता है। कौन से क्षेत्र में? मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? अलवर भी साथ में शामिल हो जाता है। अलवर भरतपुर में ये नृत्य किया जाता है, मेवात क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है। अलवर से कौन अलग हुआ है? वो आप डींग भी इसके अंतर्गत आएगा। तो ये कौन से में अभी आपको ऑप्शन देखना है कि डींग ऑप्शन में आ जाए तो भी ये बम नृत्य वहां का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो खेतल तिजारा आ जाए ऑप्शन में तो भी ये वहां का ये नृत्य प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य? बम नृत्य। तो आपको ऑप्शन में भी ध्यान देना है कि क्या ऑप्शन आया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नए आधार पे देखा जाए तो डींग किसके अंतर्गत आता था? भरतपुर में, वहीं पर भी ये नृत्य किया जाता है। और खेतल तिजारा अलवर के अंतर्गत आता था, वहीं पर भी कौन सा नृत्य किया जाता है? बम नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ऑप्शन में भी ध्यान में रखना है, बार बार में इसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने वैसे बता दिया आपको। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसमें गीत कौन से गाए जाते हैं। तो इसमें रशिया गीत गाए जाते हैं। बम में कौन से गीत गाए जाते हैं? आपसे गीत पूछ लिया जाए तो गीत कौन से गाए जाते हैं? रशिया गीत गाए जाते हैं। रशिया, रशिया प्रकार के क्या गाए जाते हैं? यहीं पे गीत गाए जाते हैं। आगे बात करते हैं कौन से बम नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य नाम है बम रशिया। अन्य नाम आपसे पूछ लिया जाए इसका, अन्य नाम किसका? बम नृत्य का अन्य नाम क्या है? बम रशिया, मतलब बम रसिया। गीत और नृत्य को साथ में जोड़कर इसका अन्य नाम क्या कर दिया? बम रसिया। देखो नृत्य कौन सा? बम, और गीत कौन सा? रसिया। तो दोनों को जोड़कर क्या नाम, अन्य नाम दे दिया? बम रसिया इसका नाम कर दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ये कब किया जाता है। तो नई फसल के आने के उपलक्ष्य में यह नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? कब आपसे पूछ लिया जाए तो कब? नई फसल के आने पर, नई फसल के आने पर किया जाता है, आने पर किया जाता है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें बम रशिया में कौन सा प्रमुख वाद्य यंत्र है? तो आपको प्रमुख वाद्य यंत्र पूछा जाए, प्रमुख वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो नगाड़ा इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। नगाड़ा, नगाड़ा इसका क्या है? प्रमुख वाद्य यंत्र है। आपसे पूछ लिया जाए बम नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो नगाड़ा इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, नगाड़ा इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, आगे और अन्य नृत्य के बारे में चर्चा करते हैं। कौन सा नृत्य है? ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? आपसे पहला क्षेत्र के विशेष नृत्य पढ़ रहे हैं, तो हमें इसका क्षेत्र कौन सा है? तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है आपसे पूछ लिया जाए, कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जालौर का प्रसिद्ध है। जालौर का, जालौर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध आपसे पूछ लिया जाए? तो कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है जय नारायण व्यास को। तो लिखो दोस्तों प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय, लाने का श्रेय किसे जाता है? श्रेय किसे जाता है? जय नारायण व्यास को। जय नारायण, नारायण व्यास को, जय नारायण व्यास ने इसे प्रकाश में लाने का काम किया था। कौन से नृत्य को? ढोल नृत्य को। ढोल नृत्य की एक बजाने की शैली आपसे पूछी जा सकती है। तो ढोल नृत्य की बजाने की शैली कौन सी है? तो थांकना शैली में इसे बजाया जाता है। तो बजाने की शैली, ढोल को बजाने की शैली कौन सी है? बजाने की शैली, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ढोल नृत्य में ढोल बजाने की शैली कौन सी है? तो बजाने की शैली कौन सी है? थांकना शैली में इसे बजाया जाता है। थांकना शैली में इसे बजाया जाता है। और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य कौन सा नाम है? तो इसका पेशावर अन्य नाम है। पेशावर नृत्य अन्य नाम, अन्य नाम आपसे पूछ लिया जाए, अन्य नाम, अन्य नाम है पेशेवर नृत्य। पेशेवर नृत्य, पेशेवर नृत्य, ये इसका अन्य नाम है। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं ढोल नृत्य के बारे में। तो इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है? तो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र भी नगाड़ा इसका प्रसिद्ध वाद्य यंत्र, ढोल व नगाड़ा प्रसिद्ध इसके वाद्य यंत्र। आगे बात करते हैं कि यह नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो कैसा नृत्य है ये आपसे पूछ लिया जाए, कैसा नृत्य है? कैसा नृत्य है? तो पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है आपसे पूछ लिया जाए? तो ढोल किस प्रकार का नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है।
ठीक है दोस्तों, हमने कौन कौन से नृत्य पढ़े हैं? मैंने दो नृत्य पढ़े हैं। कौन से पढ़े हैं? एक तो बम नृत्य पढ़ा है। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भरतपुर। भरतपुर में भी मेवात क्षेत्र का भी ये नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? तो इसमें रसिया गीत गाया जाता है। अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बम रसिया के नाम से जाना जाता है। और ये कब किया जाता है? बम नृत्य कब किया जाता है? तो नई फसल के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है। नई फसल के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है। और इसका प्रमुख वाद्य यंत्र आपसे पूछ लिया जाए तो नगाड़ा इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ढोल नृत्य जालौर का तो ये प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश में लाने का सर आपसे पूछ लिया जाए तो जय नारायण व्यास इसे प्रकाश में लाने का काम किया था। किसने किया था? जय नारायण व्यास ने ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का काम किया था। और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पेशेवर नृत्य के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सा नृत्य? पेशेवर नृत्य के नाम से इसे जाना जाता है। और ढोल बजाने की शैली आपसे पूछी जाए कि ढोल नृत्य में ढोल बजाने की शैली किस प्रकार की है? तो थांकना शैली में इसे बजाया जाता है। और ये किस प्रकार का नृत्य है? तो ये एक पुरुष प्रधान प्रकार का नृत्य है। पुरुष इसे करने का काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका क्षेत्रीय नृत्यों में। और आगे के नृत्य पढ़ते हैं, जैसे लंगूरिया नृत्य है और डक और चंग नृत्य है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों आगे बात करते हैं लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य कहाँ किया जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो करौली में व डांग क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है। तो कहाँ का प्रसिद्ध है आपसे पूछ लिया जाए? कहाँ किया जाता है? तो आपसे पूछ लिया जाए तो करौली व डांग क्षेत्र। करौली कोष्टक में लिख लो दोस्तों, डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ये किस पर, किसके मेले पर किया जाता है? तो केला देवी के लक्की मेले पर ये नृत्य किया जाता है। तो लिखो दोस्तों, यह है केला देवी, केला देवी देवी के लक्की मेले पर किया जाता है। लक्की मेले पर किया जाता है, मेले पर किया जाने वाला नृत्य किया जाता है। केला देवी के मेले पर, लक्की मेले पर यह किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? लंगूरिया नृत्य। और ये किस प्रकार का नृत्य है? तो देवी के अवसर पर, देवी पर किया जाने जाता है। तो धार्मिक प्रकार का नृत्य है। तो धार्मिक प्रकार का नृत्य, धार्मिक प्रकार का नृत्य कौन सा है? तो केला देवी का नृत्य धार्मिक प्रकार का नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से है। तो इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है नगाड़ा, तासा व बिनतरा। वाद्य यंत्र आपसे पूछ लिया जाए, वाद्य यंत्र कौन से इसमें यूज किए जाते हैं? तो वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा है, नगाड़ा, तासा, तासा और बिनतरा। बिनतरा, बिनतरा ये प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें काम में लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं डफ नृत्य, चंग नृत्य। इसका क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए, जो वर्तमान में अभी चल ही रहे हैं कौन से नृत्य, कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र का तो ये नृत्य प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र का ये कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? डफ व चंग नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये किस प्रकार का नृत्य है? तो लिखो दोस्तों, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। तो आपसे पूछ लिया जाए चंग नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसको करने का काम कौन करते हैं? ज्यादातर पुरुष करते हैं। और स्त्रियों की पोशाक पहनकर भी यह नृत्य किया जाता है। यह प्रमुख रूप से होली के अवसर पर किया जाता है। लिखो दोस्तों, यह प्रमुख रूप से होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, अवसर पर किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए किया जाता है, ढोल नृत्य है या चंग नृत्य है, डफ नृत्य है, ये कब किया जाता है? प्रमुख रूप से होली के अवसर पर। किस माह में? फाल्गुन माह में। कौन से माह में आपसे पूछ लिया जाए? तो फाल्गुन माह में, फाल्गुन माह में किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है दोस्तों, किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और वाद्य यंत्र इसमें कौन सा वाद्य यंत्र? चंग वाद्य यंत्र आपसे पूछ लिया जाए। वाद्य यंत्र कौन सा? तो चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
तो अभी हमने क्या पढ़ा, लंगूरिया नृत्य, चंग वे डफ नृत्य के बारे में हमने पढ़ा। तो लंगूरिया नृत्य कहाँ किया जाता है, केवला देवी के लक्की मेले पर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है, लंगूरिया गीत गाए जाते हैं और लंगूरिया नृत्य भी किया जाता है, और ये करौली व डांग क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। ठीक है दोस्तों, ये किस प्रकार का नृत्य है, एक धार्मिक प्रकार का नृत्य है। ठीक है, धार्मिक प्रकार का नृत्य कौन सा, तो केवला देवी के मेले पर होता है लंगूरिया नृत्य, और लंगूरिया ही गीत गाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वाद्य यंत्र पूछ लिया जाए तो नगाड़ा, तासा व बिन तारा क्या है, प्रमुख इसके वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कौन सा नृत्य, डफ नृत्य, चंग नृत्य। तो डफ नृत्य, चंग नृत्य क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शेखावाटी का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो डफ व चंग शेखावाटी का प्रमुख नृत्य है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं किस प्रकार का नृत्य, ये पुरुष प्रधान नृत्य है, स्त्री की पोशाक पहनकर पुरुष सांग रचने का काम भी करते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसमें प्रमुख रूप से कया कब जाता है, तो प्रमुख रूप से होली के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। शेखावाटी में प्रमुख रूप से होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो चंग व डफ नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कौन से माह में किया जाता है, तो ये फाल्गुन माह में किया जाता है, और इसका प्रमुख वाद्य यंत्र आपसे पूछ लिया जाए, तो इसका प्रमुख वाद्य यंत्र भी कौन सा है, चंग इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो ये था दोस्तों हमारे कुछ क्षेत्रीय नृत्य, और बचे हुए क्षेत्रीय नृत्यों को हम आगे इसी प्रकार से जारी रखेंगे अगली कक्षा में, और हम क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए, और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आगे आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इस कक्षाओं के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। दोस्तों धन्यवाद।